दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, WWE का सबसे रहस्यमयी और अजीब कैरेक्टर निभाने वाले ब्रे वाइट इस दुनिया को हार्ट अटैक के चलते अलविदा कह चुके हैं। हालांकि उनकी मौत के बारे में अभी तक ये स्पष्ट हो पाया है कि उनकी इंस्टेंट डेथ है जो हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, लेकिन उनको जो हार्ट कंडीशंस है वह COVID-19 के अटैक्स के चलते आई थी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे उनके फैंस द्वारा एक जो बार बार उनकी डेथ के बाद ये उठाया जा रहा है कि उनको रोमन रेंज के खिलाफ रेसलमेनिया में मौका नहीं दिया गया और उनके साथ भेदभाव किया गया। तो इसके बारे में हम पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे कि इस बात में कहां तक सच्चाई है। तो पूरी खबर जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ब्रे वाइट के फैंस को लगता है कि द फिंड का कैरेक्टर है वह हमेशा से ही रिवेंज लेता आया है, लेकिन रोमन रेंज के साथ उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि द फिंड को रोमन रेंज ने डी थ्रोन करके यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हासिल किया था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 3 साल पहले, यानी कि साल 2020 के दौरान, और तब ऐसा माना जा रहा था कि रोमन रेंज और ब्रे वाइट के बीच एक बार फिर से रीमैच है, वो रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं मिला और ब्रे वाइट को इस अपॉर्चुनिटी से दूर रखा गया। दरअसल ये बात है साल 2020 में रेसलमेनिया 36 के दौरान, जब रोमन रेंज गोल्डबर्ग को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रहे थे और उनके बीच ये मुकाबला रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाला था, लेकिन उस वक्त पूरे दुनिया में कोविड पेंडेमिक का कहर था और इसी के चलते रोमन रेंज ने खुद की सेफ्टी के लिए इस रेसलमेनिया से खुद को अलग रखा और उनका ये मुकाबला है वो कैंसिल हो गया। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन है वो गोल्डबर्ग को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज करते हैं और रेसलमेनिया 36 में गोल्डबर्ग को हराकर ब्रॉन स्ट्रोमन है यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीत जाते हैं। इसके बाद ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए स्टोरी लाइन की शुरुआत देखने को मिलती है और इन दोनों का मुकाबला होता है समरस्लैम में, और समरस्लैम में ब्रॉन स्ट्रोमन को हराकर ब्रे वाइट है नए यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन इस मुकाबले के तुरंत बाद ही द ट्राइबल चीफ करीब 6 महीने बाद WWE में वापसी करके इन दोनों ही सुपरस्टार्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और पेबैक में ब्रॉन स्ट्रोमन ब्रे वाइट के बीच मुकाबला देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर रोमन रेंज पॉल हेमन की मदद से इस मुकाबले के दौरान एंट्री ले लेते हैं और यहाँ पर रोमन रेंज ब्रॉन स्ट्रोमन को पिन करके नए यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं और उसके बाद से ही लगातार 3 साल हो गए हैं रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप को होल्ड किए हुए हैं। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि ब्रे वाइट को इस मुकाबले के बाद रोमन रेंज से रिवेंज लेने का कभी मौका ही नहीं मिला और WWE द्वारा जानबूझकर उन्हें इस अपॉर्चुनिटी से दूर रखा गया। हालांकि उस वक्त की सच्चाई यह है कि ब्रे वाइट की स्टोरी लाइन केविन ओवंस के साथ शुरू हो चुकी थी और उन्हें रो में ड्राफ्ट किया जा चुका था। ऐसे में रोमन रेंज स्मैकडाउन में रह गए और ब्रे वाइट है वे रो में चले गए, तो ऐसे में इन दोनों की स्टोरी लाइन से वो अलग अलग चलनी शुरू हो गई और इन दोनों के बीच वापसी का कभी मौका ही नहीं मिला। और इसी बीच WWE ने 2021 में ब्रे वाइट को WWE से रिलीज कर दिया और रोमन रेंज के साथ उनके रीमैच का मौका है उन्हें नहीं मिल पाया, और जिसकी उम्मीद पूरे WWE यूनिवर्स कर रहे थे कि रोमन रेंज और ब्रे वाइट के बीच रेसलमेनिया 37 में मेन इवेंट में मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि ब्रे वाइट को रो में ड्राफ्ट कर लिया गया। लेकिन अगर हम बात करें ब्रे वाइट और रोमन रेंज के बीच की फ्यूड की, तो उनकी सबसे शानदार स्टोरी लाइन साल 2014 के दौरान एक्सट्रीम रूल्स के आसपास देखी गई थी, जब द वाइट फैमिली और द शील्ड के बीच एक बेहतरीन स्टोरी लाइन पूरे WWE में देखी जा रही थी। उस वक्त इन दोनों ही सुपरस्टार्स और इन दोनों ही टीम्स ने बेहद ही शानदार काम किया और इसके बदौलत इन्हें WWE की सबसे बेहतरीन स्टोरी लाइन्स में से माना जाने लगा है। तो दोस्तों, आपके क्या है ओपिनियन इस बारे में कि क्या ब्रे वाइट को जानबूझकर रोमन रेंज के खिलाफ रेसलमेनिया 37 में मुकाबले से दूर रखा गया, या फिर ये एक महज कोइंसिडेंस था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।